नमस्कार दोस्तों, मैं राज आपके साथ जुड़ गया हूँ सीधे कुंभ मेला क्षेत्र से। और पौष पूर्णिमा है आज। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज के दिन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भक्तों का भीड़ लगने वाला है। तो इस समय फॉग भी कोहरा भी यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है, देख सकते हैं आप। और आपको बता दें, आज भी एक तरह से शाही कुंभ के ही जैसे भीड़ लगने वाली है घाट पर। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी पूरी टीम के साथ यहां पर, और आपको यहां पर लाइव कवरेज दिखाएंगे। यहां पर जितना भी यहां पर स्नान का है और जितना नागा साधुओं का है और भी जितने फेमस सेलिब्रिटी हैं मेला के, उन लोगों का पूरा लाइव कवरेज आप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्योदय हो चुका था और पक्षियों की चहचहाट भी सुनाई दे रही थी। और कुछ ही क्षणों बाद एक ऐसा भक्तों का सैलाब आया, भक्तों का एक ऐसा हुजूम उमड़ा, जिसके बाद गंगा का तट, संगम का तट पूरा भरा भरा सा लगने लगा। और यह पूरा भीड़ इसलिए था क्योंकि हर व्यक्ति चाह रहा था वहाँ पर कि हम कितनी जल्दी द्वितीय शाही स्नान करके घर को लौटे। और यहाँ पर आया हुआ व्यक्ति, हर व्यक्ति यह सोच रहा था कि हम भी एक डुबकी जरूर लगाएंगे माँ गंगा के आंचल में। और यह माँ गंगा का आंचल इतना पवित्र है कि कोई भी इंसान चाहे जितना पाप किया रहे, यदि एक बार डुबकी लगा ले तो उसका कष्ट दूर हो जाता है, उसके पाप मिट जाते हैं। और यह शाही स्नान है दोस्तों, शाही स्नान का सबसे बड़ा स्नान होता है। प्रथम शाही स्नान और द्वितीय शाही स्नान, ये द्वितीय शाही स्नान है। इस द्वितीय शाही स्नान में काफ़ी ज़्यादा संख्या में भक्तों की भीड़ लगती है स्नान करने के लिए। हर भक्त चाहता है कि कितनी जल्दी माँ गंगा के आंचल में एक डुबकी लगाकर हम भी पवित्र हो जाएं। और क्यों नहीं दोस्तों, हर व्यक्ति यहाँ पर आने के बाद अपने आप को पवित्र महसूस करता है, क्योंकि यदि वह स्नान कर लेता है तो उसको स्वयं को महसूस करता है कि वाकई में माँ गंगा के आंचल में डुबकी लगाने का अलग ही अंदाज है और अलग ही फायदा है उसका। और यहाँ पर अनेक तरह के ऋषि मुनि और आते हैं, डुबकी लगाते हैं, फिर वो तपस्या में लीन हो जाते हैं। प्रयागराज 80,000 ऋषि मुनियों का गढ़ भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 80,000 ऋषि मुनि तप किए थे, तब से जाकर इस जगह का नाम प्रयाग पड़ा था। और यह वही जगह है जहाँ पर राक्षसों और देवताओं की लड़ाई में अमृत की बूंदें छलक गई थी, या कहे अमृत से भरा हुआ घड़ा फूट गया था दोस्तों। और वह अमृत आकर इस गंगा में गिर गया था, तब से यहाँ पर प्रयागराज कुंभ लगता है। और यह कुंभ कोई साधारण कुंभ नहीं, कोई छोटा कुंभ नहीं, कुंभ है कुंभ, जिसको कहते हैं सबसे बड़ा मेला। और इस मेले में दुनिया भर से लोग आते हैं। भीड़ तो आपको दिख रही है, जितना इस तरह से भीड़ दिख रही है, बस इसी तरह से आज लोग आए हुए हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं है, शाही स्नान के जैसा भीड़ नहीं है, पर भी भक्तों का जमावड़ा उतना ही है, उतना ही भक्त हैं जितना कि क्रेज था स्नान का। लेकिन शाही स्नान जैसा भीड़ आज के दिन देखने को नहीं मिला दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ है। तो कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि साथ में आए। और देख सकते हैं,
संख्या में लोग आज के दिन आए हुए हैं, आज के भी दिन, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में भक्तों का क्रेज जो है स्नान का और भी ज़्यादा संख्या में हो। यह प्रयागराज की खूबसूरती ही तो है जो हमें विश्व विख्यात बनाई हुई है। और दोस्तों, यह प्रयागराज सिर्फ और सिर्फ हमारे ही लिए नहीं, अन्य लोगों के लिए भी है। इस प्रयागराज में विदेश से भी लोग आते हैं, देश से भी लोग आते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप।